गाइस वेलकम बैक। तो आज हम बनाएंगे इडली और साथ में बनाएंगे चटनी। तो चटनी के लिए मैंने ले रखी है यहाँ पर कटी हुई बारीक करके काट के रखी है मैंने ये नारियल। साथ में मैंने लिया है भुना हुआ चने की दाल और भुनी हुई मूंगफली से टेस्ट अच्छी आती है। साथ में मैंने ले रखी है कुछ लहसुन की कलिया। इसको गाइस मिक्सी में हमने पेस्ट बना लिया है। उसके बाद हमने तेल में डालनी है राई के दाने और करी पत्ता, साथ में डालने हैं इसमें हरी मिर्च या फिर लाल मिर्च के टुकड़े। साथ में इसमें हमने ऐड करी जो हमने चटनी पीसी थी वो और दही। दही के बिना इसका टेस्ट अधूरा होता है। फिर लास्ट में डालेंगे हम इसमें हल्का सा पानी और नमक हल्दी और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से। इसको गाइस एक उबालते हमने इसको मैंने एक उबाला था इसको हमने पकाना है ठीक से। उसके बाद गाइस आती है बारी इडली की। इडली का जो बैटर बनता है वो बनता है दाल और चावल से। चावल नॉर्मल कोई भी यूज़ कर सकते हो। अब दाल के लिए हम यूज़ करते हैं इसमें उड़द की दाल जो बिना छिक्कल वाली होती है। इसको मैंने इसके रेशियो ये होता है कि 3 कप चावल और 1 कप दाल का होता है। तो गाइस इसको मैंने 2 दिन पहले 1 दिन पहले पीस कर रख लिया था, लेकिन क्या होता है कि इसमें बैटर हमने फुला नहीं क्योंकि दिन है ठंडियों के। तो इसमें यूज़ करूँगी मैं बेकिंग सोडा सॉफ्ट करने के लिए, क्योंकि बिना फूले अगर आप बनाओगे तो वह इडली सॉफ्ट नहीं बनती है। तो और जो ये मेरा इडली का जो ये साँचा है ये मैंने लोकल मार्केट से ले रखा है 150 रुपये का। काफ़ी टाइम से ले रखा, अच्छा यूज़ हो रहा है क्योंकि इसको हम किसी भी बर्तन में यूज़ कर सकते हो जो भी सारे बड़े बर्तन होते हैं। तो ये मैंने इसमें ऐड, और जो ये इडली का जो साँचा है इसमें मैंने पहले गार्निशिंग कर रखी है तेल से या फिर घी से, जो भी यूज़ कर सकते हो। अब ये मैं भर रही हूँ इसमें बैटर, उसको मैं स्टीम के लिए रख दूँगी 10 मिनट में। गाइस ये आपकी पक्की तैयार हो जाएगी। इसको चेक करते हैं हल्का सा चक्कू से, अगर चक्कू एकदम साफ निकलता है तो एकदम मैंने कि ठीक है आपका ये बन चुका है। वो मैं था वीडियो बनाना भूल चुकी थी वो वाला, तो कोई बात नहीं। तो अब देखिए ये हमारा बन के तैयार हो चुका है नरम नरम इडलियाँ, क्योंकि गाइस इसमें मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया इसलिए नरम हो रखा है। अदरवाइज बिना अगर आप खमीर उठे अगर आप बनाओगे तो ये बहुत टाइट बनेगा, इसलिए पक्का इसमें डालना पड़ेगा आपको बेकिंग सोडा। लेकिन हाँ गर्मियों में क्या होता है कि एक ही दिन में खमीर क्या है उड़ जाता है आराम से, तो इजली होता है उसको बनाना। और तो गाइस बच्चे जो मेरे काफ़ी उसे पसंद करते हैं, आई होप आपकी भी पसंद आई होगी ये। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।